बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वीवरस आप देख रहे हैं सिराते मस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल आज तीन अक्टूबर दो हजार बाईस से आज की अहम तरीन खबरों का आगाज इस हदीसी पाक से किया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुँच जाए तो ये ना कहो कि अगर मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता अलबत् ये कहो कि अल्लाह ताला की तकदीर यू ही थी और उन्होंने जो चाहा किया क्योंकि अगर का लफ शैतान के काम का दरवाजा खोल देता है अल्लाह रब्बुल रबुल्जत इन कुरानी आयात और अहदीस को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तोफ़ी कथा फरमाए आमीन दोस्तों आज की वीडियो में काफी अहम मालूम है वीडियो मुकम्मल देखेगा लाइक करके शेयर भी कीजिएगा सऊदी अरब में बच्ची के कत्ल में मुलविस घरेलू मुलाजमा को सजाए मौत दे दी गई है इतवार को रियाद में इस पर बाकायदा अमल दरामद किया गया चार साल पहले सऊदी बच्ची नवाल अलकरनी के कत्ल के वाकये ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था अदालत ने कत्ल का इल्जाम साबित हो जाने पर घरेलू मुलाजमा फातिमा मोहम्मद असफा को मौत की सजा सुनाई थी वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि सऊदी बच्ची के कत्ल में मुलविस इथोपियन मुलाजमा को सजाए मौत दे दी गई है सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलाजमा को गिरफ्तार करके तफ्तीश की जिसके बाद मुकदमा फौजदारी अदालत में भेजा गया था अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तोसी की थी सऊदी अरब के अहम तरीन जराये से जो इतलात आई है की नवाल अलकरनी जो बारह साल की बची थी वो सो रही थी कि इसकी मुलाजमा ने इस पर छुरी से वार करके इसको कत्ल कर दिया और इसके भाई को भी कत्ल करने की कोशिश की जो शदीद जख्मी हुआ और वहाँ से निकल गया करीबी हमसायों ने फौरी तौर पर पुलिस को इतलाह दी जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेकर इस मुलाजमा को गिरफ्तार कर लिया है बच्चों की वालदा ने सज़ाए मौत पर अमल दरामद की खबर सुनकर कहा कि मुझे मेरे सबर का बदला मिल गया अपनी बेटी नवाल की जिंदगी भर मैं याद करती रहूंगी इसका गम नहीं भुला सकती सऊदी वजारत दाखिला ने चार साल तक इस मुकदमे की मुकम्मल तहकीकत की और उसके बाद इस मुलाजमा को सजाए मौत दे दी गई है सऊदी हेल्थ काउंसिल की जानब से गुजश्ता रोज जो अहम मालूम शेयर की गई थी उसकी इब्तदाई मालूम मैंने आप तमाम हजरा से बगैर किसी तखिर के शेयर कर दी थी सऊदी हुकूमत की जानब से हेल्थ इंश्योरेंस से मुतलिका मजदूद कुछ तफसी आई हैं जो कि इस खबरनामे का हिस्सा बनाया जा रहा है सऊदी हेल्थ काउंसिल ने अहम इतराज शेयर करते हुए बताया कि अट्ठारह जो मजीद सहूलियात का अजाफा किया गया है उसमें इंश्योरेंस होल्डर को सेहत के मसाइल से बचाना सेहत बेहतर बनाना बीमारी के खतरा होने से रोकने जैसे अहम अहदाफ इसमें शामिल हैं। नई मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में फी का दस लाख रियाल तक उसे फायदा पहुंचाने की गुंजाइश रखी गई है छोटे और दरम्याने साइज के इदारों के मुलाजमीन को मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में ज्यादा फंड देने के लिहाज से पाँच लाख से जायद अखराज तक वो कर सकते हैं नई सहूलियात में अमराज का कबल अज वक्त पता लगाने के लिए टेस्ट करवाना वैक्सीन खुत की सेहत हद से ज्यादा मोटापे के ऑपरेशन गुर्दों की पाबंदकारी इस तमाम सहूलियात को अब इंश्योरेंस में शामिल कर दिया गया है जहनी सेहत के इलाज का बजट पंद्रह हजार रियाल से बढ़ाकर पचास हजार रियाल कर दिया गया है जबकि गुर्दे की सफाई के बजट में भी इजाफा किया गया है हेल्थ इंश्योरेंस काउंसिल ने कहा कि नजर के चश्मों की लागत मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में ज्यादा ज्यादा चार सौ रियाल हो गई है इससे पहले यह लागत कम थी और कुछ रकम अलग से कस्टमर को खुद अदा करनी पड़ती थी कौंसिल का कहना है कि नजर की बीमारी की तशीस टेस्ट और इलाज की लागत इंश्योरेंस कवरेज में शामिल नहीं होगी सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले सेहत की खदमात नेटवर्क से बाहर से हासिल कर सकते हैं ऐसा सिर्फ हंगामी सूरतहाल में मुमकिन है ऐसी सूरत में इन्हें इतना मुआवजा दिया जाएगा जितना कि मार्केट में इस किस्म की तकलीफ की सूरत में कीमत मुख्त की गई है अगर इंश्योरेंस कंपनी इससे इंकार करे तो इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जाए ताकि इससे ये रकम लेकर मुतल कस्टमर को दी जा सके रियाद पुलिस ने एक अहम बयान जारी किया कि हुकूमत में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाली गैर मुल्की टीम के साथ किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बदकलामी करने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसमें देखा जा सकता है कि सऊदी शहरी बैरून मुल्क से रियाद पहुंचने पर गैर मुल्की टीम के साथ बदकलामी कर रहा है यह टीम रियाद में एक प्रोग्राम में टेक्निकल अमूर की जिम्मेदार है रियाद पुलिस ने कहा कि मुकामी शहरी को कवानीन की कार्रवाई के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया सोशल मीडिया पर सार्फिन ने रियाद एयरपोर्ट पर गैर मुल्की टीम के साथ बदकलामी के वाक पर रद्दअमल में कहा कि ये हमारी रवायात के खिलाफ है यहाँ आने वालों के साथ बदकलामी की जाए सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने फौरी कार्रवाई करते हुए इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो कि सऊदी शहरी है